पीलीभीत में फिर सियार ने ग्रामीणों पर हमला किया है। जंगली सियार के हमले में 2 मासूम बच्चों सहित 8 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद सीएचसी में भर्ती कराया गया। 2 बच्चे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से रेफर किए गए हैं। सियार के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। घरों के बाहर खेल रहे बच्चे सियार के हमलों का शिकार हो रहे हैं। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है। इसके साथ ही सूचना पर पुलिस फोर्स एसडीएम वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के सुसवार गांव की ये घटना है। तो क्या घटना घटी है यहाँ पर? सुबह मॉर्निंग में समथिंग 5 बजे के समथिंग माता जी हमारी घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकली, तो देखा कि निकलते ही झाड़ी में से भेड़िया निकला, जिसमें माता जी के हाथ में ये सामने काटा है, पैर में भी काफी काटा है सुबह, और कई बच्चों को, कम से कम 6-7 बच्चों को और 2-4 व्यक्तियों को भी काटा है। समथिंग 1 दर्जन व्यक्तियों को काटा गया है मॉर्निंग में, जिससे कि एक बच्ची जो है जो बहुत पीड़ित है, जिसकी बहुत गंभीर हालत है। समथिंग 30 वर्ष की ये लड़की है। तो इनका हम तो क्या घटना घटी है यहाँ पर जसवंत जी? यहाँ जी नहर वो हम खेत कहती जा रहे थे, मुझे भेड़िया था जी एकदम आके, मतलब बच्चों बच्चों पे सब पे लिपट रहा था, तो बचाने में हमें भी घायल कर दिया। कितने लोगों पर हमला किया, कितने लोग घायल हैं? हैं 5-6 जने हैं। अच्छा, किसी की हालत गंभीर तो नहीं है? है जी, बच्चे की बहुत गंभीर हालत है। सूचना दे दी आपने किसी भी बात? अभी नहीं दी किसी को। कितने लोग घायल हुए इसमें? ये हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं जिनको काटा है। गीदड़ ने अंदेशा गीदड़ का है, जो जैसा वो बता रहे हैं लोग। क्या ट्रीटमेंट दिया गया है इन सभी को? टिटनेस का और रेबीज का वैक्सीनेशन कर दिया गया है, और जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है एंटी रेबीज सीरम के लिए। बताया जा रहा है खुशी नाम की बच्ची है। खुशी को भेजा है और पंकज को भेजा है, दोनों को। हाँ, क्या स्थिति है? स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, वैक्सीनेशन सबको लग गया है। अच्छा,